येस वी आर लाइव नाउ. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न. डिस्कस करेंगे थियोरीज ऑफ इमोशंस, मतलब संवेगों के कुछ सिद्धांत. कुछ दो चार छः थियोरीज होंगी जिनको अच्छे से डिस्कस करेंगे. हालांकि कॉग्निशन एंड इमोशन में हमने किया था, बट कुछ नई थियोरीज भी हैं. कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एक सेशन रहेगा. आप में से किसी ने कल कॉमेंट भी किया था कि भले ही पहले करा दिया हो फिर भी दोबारा लेकर के चले हैं इस कोर्स में सब कुछ. तो स्टार्ट करते हैं थियोरीज ऑफ इमोशन. इसमें कुछ नई चीज़ें जानेंगे थियोरीज ऑफ इमोशंस में. कल हमने समझा था इमोशंस क्या हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और किस तरह से बेसिकली इनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, या इमोशंस कहें तो हमारे जीवन को जीवंत रखते हैं, लाइवली रखते हैं, हमें ह्यूमन होने का फील कराते हैं. अदरवाइज तो हम रोबोटिक हो जाएंगे अगर हमारे अंदर इमोशंस ही नहीं होंगे. इमोशंस का मतलब क्या था? एनर्जी इन मोशन या फिर टू मूव या फिर एक उत्तेजित स्टेट. ठीक, आई होप आप सभी बेहतर होंगे. ऐसे गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे, बहुत अमेजिंग सेशन रहेगा. कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और अगर टफ पेपर बने कोई भी टीचिंग एग्जाम का तो ये वाले सेशन से, इमोशंस के चैप्टर में से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कुछ नई चीज़ों को. एक बार आप कॉमेंट करके बताएं, ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक हो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया. हाँ, मैं बेहतर हूँ. आई होप आप सभी बेहतर होंगे. हाँ, सही सही दिखने चाहिए वीडियोस. तो एक मिनट स्टार्ट करेंगे, बस एक मिनट दें मेरे को ताकि मैं देख पाऊँ कि कोई इशू तो नहीं है किसी भी तरह का. चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग आ चुके हैं. अच्छा, आज हम बात करेंगे, लाइट बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है आज, ये भी देख लेना, क्योंकि सेटिंग सारी फैक्ट्री रीसेट हो गया सब कुछ, तो दोबारा से डिस्टर्ब हो गया सब कुछ. सी टेट के लिए ये सेशन है. एक और नई सीरीज़ जो शाम में हमने बात की थी सेलेक्टेड क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की, इस सेशन के बाद डेली रहेगी 10 बजे. तो उसके लिए भी तैयार रहें. सुबह कुछ कुछ नई चीज़ें हैं जो संडे को डिस्कस करेंगे. कल से आपको चीज़ें या वीडियोस टाइम पर बिल्कुल स्मूथली, सुबह वाला सेशन भी डिस्टर्ब हो गया है वो भी टाइम से देखने को मिलेगा. ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद. स्टार्ट करते हैं. क्लियर नहीं है वीडियो, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ से तो सब बढ़िया चल रहा है भाई. एक सेकंड रुकें, फिर बढ़ेंगे आगे. स्किप कर लीजिएगा अगर दिक्कत हो रही हो तो. बिटरेट, ओके, 1200, अब दिखेगा क्लियर. नहीं है वीडियो. चलिए, हाँ, स्टार्ट करते हैं. सी टेट के लिए इक्वली हेल्पफुल है, ये सभी के लिए कॉमन सेशन है. भाई, हमने बात की थी थियोरीज ऑफ इमोशंस में, इमोशंस क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, सांवेगिक बुद्धि, जिसको पहली बार यूज किया था सेलोवे एंड मेयर ने 1990 में. फिर इमोशनल इंटेलिजेंस बुक लिखी 1995 के अराउंड डेनियल गोलमैन ने. और ये जो टर्म था इन्होंने कॉइन किया, इसको ये कह सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनली इंटेलिजेंट जो बच्चे होंगे या कोई भी व्यक्ति होगा, उसमें स्पेशली जो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की ताकत है, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं जीवन की या कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते रहते हैं उनसे, उनको मैनेज करना, उनको एक तरह से अरेंज करना, या कह सकते हैं उनको, अभी एक शब्द बोला था मैंने, दिमाग से निकल गया, मतलब मैनेज कर सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को बेहतर तरीके से, मैच्योरिटी के साथ. तो मैच्योर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मैच्योरिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाएगा. तो रिजॉल्व किसको कर पाएगा? कॉन्फ्लिक्ट्स को, ये जरूर हम ध्यान में रखेंगे. कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर पाएगा वो व्यक्ति जो इमोशनली मैच्योर या फिर इंटेलिजेंट हो, अपने इमोशंस पर रिफ्लेक्ट कर पाएगा, समझ पाएगा, बेहतर अडेप्ट कर पाएगा नए नए सिचुएशंस में. और क्या होगा? कल हमने बात की थी कि थार्सिस एक या ह्यूमर जैसी भी चीज़ें इमोशंस को मैनेज करने के लिए बेहतर काम आ जाती हैं. कुछ थियोरीज की बात कर लेते हैं एक एक करके. बिल्कुल, जो पहली थियोरी रहेगी आज के लिए वो रहेगी पॉल एकमैन की. अलग अलग लोगों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिक या जिन लोगों ने भी इमोशन पर काम किया है, उन सभी ने अलग अलग थियोरीज में इमोशंस की ही, नंबर ऑफ इमोशंस को अलग अलग बताया है. मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे वॉटसन की हमने बात की थी, जेबी वॉटसन ने 3 प्रकार के इमोशन बताए हैं. कल हमने देखा था भाई 3 बेसिक इन्होंने इमोशन बताए, फियर जो जन्म से होते हैं, एंगर भाई भय, क्रोध और लव प्रेम. ये जन्मजात होंगे किसके अनुसार? वॉटसन के अनुसार. बहुत सारे लोगों ने इसको माना, बहुत सारे लोगों ने नहीं माना, बट वॉटसन ने ये 3 दिए हैं. आपसे पेपर में पूछे कौन से दिए, तो ये 3. ठीक,
अब बात आती है एक और नए व्यक्ति की जिनका नाम है पॉल एकमैन। पॉल एकमैन ने कुछ छह बेसिक प्राइमरी इमोशन की बात की, छह प्रमुख इमोशन की बात की पॉल एकमैन ने, और उन्होंने कहा कि ये जो छह बेसिक इमोशंस है ना, इनको आप फेशियल एक्सप्रेशन से पहचान सकते हैं। मतलब किसी के फेस पर ये चीजें दिख सकती हैं, एक्सप्रेशन देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सा इमोशन है। ठीक, कुछ सिक्स हैं अकॉर्डिंग टू पॉल एकमैन। जल्दी आएंगे एसएसटी की वीडियो, आज का काम पर ध्यान दीजिएगा कृपा करके। देखते हैं पॉल एकमैन ने ये कुछ सिक्स इमोशंस दिए बेसिक। पहला है एंगर, मतलब कि क्रोध। फिर है डिसगस्ट, मतलब कि घृणा। फिर है फियर, इसके साथ आप फेस पर ये फेशियल एक्सप्रेशन में देख पा रहे हैं, डर का एक्सप्रेशन है। फिर हैप्पीनेस, मतलब खुशी। सैडनेस, मतलब उदासी। और फिर है आपका सरप्राइज, मतलब कि आश्चर्य। तो ये कुछ सिक्स इमोशंस हुए। अगर मैं बात करूं तो ये कुछ चार्ट है इनका सिक्स इमोशंस का, है ना, बेसिक सिक्स इमोशंस की इन्होंने बात की है। हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन से हम इनको समझ सकते हैं, जो सिक्स आपके बेसिक इमोशंस हैं या प्रमुख या प्राइमरी इमोशंस हैं अकॉर्डिंग टू पॉल एकमैन। नाम रखना याद जरूरी है, एंगर, डिसगस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस और सरप्राइज। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट थियरी कह लीजिए या एक और व्यक्ति जिनका नाम है रॉबर्ट प्लचिक, इनके अनुसार कुछ चीजों को जान लेते हैं। भाई रॉबर्ट प्लचिक ने व्हील ऑफ इमोशन दिया, मतलब चक्र एक तरह से, किसका, संवेगों का एक चक्र दिया पूरा। अब इस चक्र में रॉबर्ट प्लचिक ने, नाम है इनका रॉबर्ट प्लचिक, क्या दिया है इन्होंने, व्हील ऑफ इमोशन, व्हील ऑफ इमोशंस। भाई एक पूरा चक्र दे दिया जिसमें बहुत सारे इमोशंस हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारे इमोशंस में इन्होंने कहा कि कुछ एट बेसिक हैं, जैसे पॉल एकमैन ने कहा था सिक्स हैं, तो बेसिक इन्होंने एट को बताया। और बाकी सब जो है, जैसा कि आपने उस चक्र में देखा, व्हील में देखा, बहुत सारे इमोशंस थे, बट वो इन एट के मिक्सचर से ही कहीं ना कहीं बनते हैं, मिश्रण से बनते हैं बाकी के इमोशंस, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये इवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहा जाता है इसको, इमोशंस की इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन हुआ है एक तरह से, इमोशंस में भी कॉम्प्लिकेट हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये अलग अलग सिचुएशन में और ज्यादा एडवांस्ड हुए हैं। तो एट बेसिक इमोशंस से बाकी के सब बनेंगे। इन एट के अंदर भी इन्होंने कुछ चार पेयर बना दिए, भाई फोर पेयर्स हैं जो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। आठ इमोशन बेसिक, उसमें भी चार पेयर में इनको डिवाइड कर दिया, जो दो दो के पेयर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, उसको समझ लेते हैं एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, व्हील ऑफ इमोशंस सही लिखा है गौरव। अब ये है व्हील ऑफ इमोशन, व्हील ऑफ इमोशन में हम अभी समझेंगे, आठ बेसिक को एक बार लिख भी लेंगे। रॉबर्ट प्लचिक ने दिया है इनको, तो इसमें हम देख पा रहे हैं ये जो अंदर वाला घेरा है ना, जो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं जॉय लिखा होगा, ठीक है, जॉय लिखा है। फिर उसके आगे ऑपोजिट में देखो, नीचे सैडनेस लिखा हुआ है, मतलब जॉय का जो पेयर है वो ऑपोजिट पेयर वो है सैडनेस। ठीक, फिर इसके अलावा नेक्स्ट पर अगर हम बढ़े तो ट्रस्ट दिया हुआ है। ट्रस्ट का उल्टा या ऑपोजिट क्या है यहां पर, मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास आपको याद भी होगा, और सॉरी ट्रस्ट का मिसट्रस्ट नहीं है भाई, एंटिसिपेशन है, ये एरिक्सन को लगा दिया मैंने यहां पर, एंटिसिपेशन है, मतलब ऐसे अनुमान लगाना एक तरह से, एंटिसिपेशन है ट्रस्ट का उल्टा। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो फियर आ जाता है, फियर का उल्टा एंगर, ऑपोजिट जो होगा फियर का वो फिर एंगर होगा। ठीक, तो इस तरह से ये आठ हो गए, चार पेयर हैं ऑब्वियसली, एक पेयर ये हुआ फियर और एंगर वाला, दूसरा है सैडनेस और जॉय का पेयर, फिर थर्ड है एंटिसिपेशन और ट्रस्ट का पेयर, एक और पेयर बचेगा यहां लिख लेंगे उसको, लास्ट पेयर होगा सरप्राइज, लास्ट पेयर है आपका सैडनेस और जॉय, डिसगस्ट और ट्रस्ट। भाई ट्रस्ट के साथ डिसगस्ट है, इसको कर लेना, ये इसमें देख लेना,
दिखने में दिक्कत हो गई है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। प्रेपरेशन करते रहो, कोई बात नहीं, सीटेट हो गया तो ठीक है। सरप्राइज के साथ एंटिसिपेशन चलेगा, ठीक है। यहां पे सरप्राइज लिख लेना कहीं, जो लास्ट है पेयर में, इसके साथ एंटिसिपेशन है। इसको आगे भी देख लेंगे चार्ट के थ्रू, कोई बात नहीं। यहां पे थोड़ा सा केओस हो गया होगा, बफरिंग यहां से तो नहीं है। बफरिंग ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअली पूरा सेटअप फिर से हिल गया है एक बार। हाँ, आगे बढ़ेंगे। अब ये पेयर आप यहां बेहतर देख पाएंगे, ये मेरी कलाकारी से ज्यादा बेहतर दिया हुआ है यहां पर। डॉक्टर रॉबर्ट प्लचिक का जो ये, जिसमें कुछ चार पेयर हैं और आठ बेसिक इमोशन हैं, उन आठ से मिलकर के 16 बनते हैं। और ये जो चार पेयर हैं इसमें आप देख पा रहे हैं, जॉय का उल्टा है सैडनेस, ट्रस्ट का उल्टा है डिसगस्ट, मतलब विश्वास का घृणा। भाई आपको ट्रस्ट का ऑपोजिट क्या है? घृणा। फियर, डर का एंगर, फिर है सरप्राइज, आश्चर्य का फिर एंटिसिपेशन, आई थिंक अनुमान या कुछ ऐसा हिंदी में कहते होंगे इसको, ठीक है। तो ये हुई रॉबर्ट प्लचिक की बात। इतना पेयर वेयर में नहीं पूछेगा, बट हाँ इतना बेसिक जरूर याद रखिएगा कि चार पेयर की बात की है, आठ बेसिक इमोशन दिए हैं, ठीक है। बहुत टफ पेपर बनने पे ही ये स्थिति उत्पन्न होगी, नहीं तो इतनी डीप थियोरीज आपसे नहीं पूछता। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट थियोरीज हैं जो याद रखना जरूरी है। एक तो है जेम्स लैंग की थियोरी, दूसरी है कैनन बार्ड की, और तीसरी है शेक्टर एंड सिंगर की थियोरी। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इनको हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझेंगे अभी, फिर मैकडूगल पर आएंगे और जेजोंग को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक। तो इसको कर देते हैं बंद और यहां देख लेते हैं, जेम्स लैंग को समझ लेते हैं पहले। कोई बात नहीं, जिनको समझने में दिक्कत है एक बार रिवाइज कर लेंगे, आज इमोशंस में थोड़ा सा होता है कई बार। ऐसे लाइक कर देना वीडियो पसंद आ रहा हो तो, ठीक है। जेम्स लैंग को पढ़ेंगे, बहुत पुरानी, और विलियम जेम्स हैं वही स्ट्रक्चरलिज्म वाले, फंक्शनलिज्म वाले। जेम्स लैंग की थ्योरी है, विलियम जेम्स और कार्ल लैंग, इन्होंने बात की अपनी थ्योरी में, इनकी इमोशन की थ्योरी। इन्होंने कहा है कि पहले फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, मतलब पहले आप फिजिकल रिस्पॉन्स फील करते हैं, फिजियोलॉजिकल अराउजल जिसको कहते हैं, ये आएगा, शारीरिक उत्तेजना आएगी पहले, ये कह सकते हैं, उससे फिर कोई एक इमोशन जनरेट होगा, ठीक है। इमोशन ट्रिगर होगा किससे? शारीरिक उत्तेजना से, ठीक। इन्होंने ये कहा, इनके अनुसार अगर एग्जाम्पल लें, जैसे अभी ये पिक्चर वाला एग्जाम्पल लें, तो मतलब आपने सांप को देखा और आपकी हार्ट बीट तेज हो गई या पसीने आ गए आपको, मतलब कि अब आपकी जो पसीना आना है या हार्ट बीट तेज हो गई, इससे आपका इमोशन आया फियर का, कि मैं डरा हुआ हूं इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है, मतलब ये हुआ, ठीक। आपके अगर आंसू आ रहे हैं तब आप फील करेंगे कि भाई मैं दुखी हूं, मतलब पहले आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स फिर इमोशन आया, तो ये तो बात कही थी इन्होंने, ठीक। लेकिन इनको एक तरह से अपोज किया, इनकी उल्टा कहा एक तरह से किसने? कैनन बार्ड ने, ठीक। जेम्स लैंग, तीनों थियोरीज आपस में जुड़ी हुई हैं, मतलब लगभग कनेक्टेड फील कर सकते हैं आप इनसे, लास्ट में जब रिवाइज करेंगे तो क्लियर होगा। दूसरी है आपकी कैनन बार्ड की थियोरी। कैनन बार्ड ने कहीं ना कहीं अपोज किया जेम्स लैंग को, इन्होंने कहा भी दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल अराउजल, मतलब शारीरिक उत्तेजना, और दूसरा क्या है आपका? इमोशनल फीलिंग जो है, ट्रिगर जो हुआ है वो इमोशन जो आया है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में इन्होंने कहा साइमल्टेनियस होते हैं दोनों, आपका फील करना इमोशन को और आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल, मतलब आपने स्नेक को देखा, सांप को देखा, तो आपको पसीने आए, डर लगा, और इससे आपके साथ ये जो डर का इमोशन है ये दोनों साथ में हो रहे हैं, आपका पसीने आना या एकदम हार्ट बीट बढ़ जाना और साथ में जो डर का इमोशन है, दोनों साइमल्टेनियस हैं, ठीक है। तो कोई एक चीज हुई, कोई भी एक स्टिमुलस देखा आपने, उसका रिस्पॉन्स है ये दोनों साइमल्टेनियसली, समानांतर रूप से आएंगे। फिर इसके बाद थर्ड एक और थियोरी है शेक्टर और सिंगर की, उनको भी समझ लेते हैं वो क्या कहते हैं।
बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए, यूपी टेट में तो इवन पूछ भी लेता है मुश्किल से क्वेश्चन, आया भी हुआ है आई थिंक ये पहले। देखो यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा, शेक्टर सिंगर ये दो दो व्यक्ति हैं इनका, इसलिए पेयर में नाम है, चाहे वो जेम्स लैंग हो, कैनन बार्ड हो, शेक्टर सिंगर हो, एक व्यक्ति ने शुरू किया काम, दूसरे ने बाद में ज्वाइन कर लिया, या दोनों ने साथ में मिलकर किया, थियोरी दे दी। इन्होंने कहा है कि भाई जो आपका बेसिकली ट्रिगर है ना, मतलब कोई भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, फिजियोलॉजिकल अराउजल है, बार बार रिस्पॉन्स बोल रही हूं मैं, अराउजल है, इससे ट्रिगर होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। इसको जो आपने लेबल दिया कॉग्निटिव लेबल, इन्होंने दो फैक्टर थ्योरी कही जाती है इनकी, टू फैक्टर थ्योरी, कॉग्निटिव लेबल जो आपने दिया, मतलब इंटरप्रेट जो किया, वो बताएगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, इमोशन क्या है। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन है, इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी मतलब दो फैक्टर इन्वॉल्व है, एक तो फिजियोलॉजिकल अराउजल जो शारीरिक उत्तेजना है, और उसको आपने कॉग्निटिव लेबल क्या दिया, इंटरप्रेट कैसे किया। मतलब अगर आप भाग मतलब दौड़ रहे थे, आपको हार्ट बीट तेज फील हुई, तो अब आपने इसको लेबल क्या दिया, दिमाग में इंटरप्रेट क्या किया कि मैं डर से भाग रहा हूं या नॉर्मल भाग रहा था इसलिए ये हार्ट बीट तेज हुई है मेरी, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना होता है जैसे हम मुस्कुरा रहे होते हैं कई बार मिलके, ऐसे बहुत ही भयंकर रिश्तेदारों से, ऐसे लोगों से मिलके भी जो हमें पता है जिनको लेकर के हम अंदर से पॉजिटिव फील नहीं करते, ठीक है, या वो भी सामने से चुटकी लेने के लिए आपसे बात कर रहे हैं, अंदर से कोई ऐसा खास इमोशन नहीं है जिसको आप सच में बहुत ज्यादा खुश फील करें, बट आप जाते हैं ऐसे रूम में और कहते हैं अच्छा अंकल नमस्ते। अब ये जो हंसी है, ये वाली जो स्माइल आपने एक तरह से पास की है, अब ये आपके दिमाग में इंटरप्रिटेशन ये है इसकी क्या कि भाई ठीक है, मतलब कोई खुशी नहीं है ये। अदरवाइज जेम्स लैंग क्या कहते हैं, भैया आपने स्माइल किया तो मतलब आप खुश हैं, ऐसा नहीं होगा। तो कॉग्निटिव लेबल जो आपने दिया वो डिपेंड करेगा, इसलिए टू फैक्टर्स हैं इसमें, एक तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और दूसरा आपका कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक जो आपने लेबलिंग की है, इसको टैग क्या दिया है आपने, ठीक है। तो वो एक बात है, धन्यवाद जी, ब्राइटनेस में अगर इंप्रूवमेंट है तो। हिंदी बुक के लिए रुक जाओ, नेक्स्ट मंथ आ जाएगी अपनी बुक, कल से होगा इंग्लिश सेशन डेली, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया सब कुछ। हाँ, आर्टिफिशियल या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सभी के लिए कॉमन है, यूपी टेट और सी टेट सबको टारगेट करके एक ये कॉमन सिलेबस पे काम चल रहा है, ऐसा नहीं है, दिक्कत मत लो। और अभी जो 10 बजे वाली सीरीज चलेगी, जो बीच में डिसकंटिन्यू कर दी थी यूपी टेट के जो पेपर कराया था प्रीवियस ईयर, फिर बोला था सिलेक्टेड करेंगे, तो वो भी आज से शुरू कर देंगे, और पेपर जैसे आने वाला होगा यूपी टेट का, तो उससे कुछ दिन पहले फिर पूरा पूरा प्रीवियस ईयर भी आपको रिवाइज करा दिया जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है सी टेट वाले या कोई भी आप टीचिंग एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुई कुछ थियरीज, अब आ जाते हैं इनको रिवाइज कर लेते हैं इन तीनों को, और फिर मैकडूगल का इंस्टिंक्ट जो मोटिवेशन में है टेक्निकली वो थियरी, बट यहाँ इमोशन में भी हम उसको पढ़ते हैं, तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। बहुत बढ़िया, हाँ, तो ये एक बार आप इमेज जरूर देखिएगा जिनको अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो। ये इमेज पर एक बार आप ध्यान देंगे तो बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। हमने अभी तीन थियोरीज को समझा, पहली है जेम्स लैंग की थियोरी। ये जो जेम्स लैंग हैं, ये जेम्स लैंग दिख रहे हैं आपको, जेम्स लैंग में एक हमें दिखाई हुई है पिक्चर, एक तरफ स्नेक है, एक सांप है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है, ठीक है। अब जेम्स लैंग की थियरी अगर होगी तो अराउजल जो है क्या, कहां से आ रहा है, स्नेक की वजह से आपका एकदम हार्ट बीट फास्ट हुई, मतलब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया, आपने तुरंत फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स से फियर जनरेट हुआ, इमोशन क्या आया, फियर आया, तो पहले फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देन आपका इमोशन, ये किसने कहा है, जेम्स लैंग ने। फिर अगर हम सेकेंड थियरी पर आए तो कैनन बार्ड कहते हैं भाई अराउजल या कोई भी स्टिमुलस क्या है, स्नेक है मान लीजिए, लेकिन जो आपकी हार्ट बीट और डर का इमोशन है दोनों साथ साथ आएंगे, साइमल्टेनियसली होंगे, समानांतर होंगे, ये कहेंगे कैनन बार्ड। इन्होंने अपोज किया है किसको, जेम्स लैंग को। शेक्टर सिंगर ने दोनों की बात मानी है लगभग, और अपनी एक नई बात कही है, इन्होंने कहा है एक अराउजल मतलब स्नेक, कोई भी स्टिमुलस देखा आपने, अब आपका जो हार्ट बीट है और जो कॉग्निटिव लेवल पे आपने कहा है, जो लेबल दिया है अपने दिमाग में कि मैं डरा हुआ हूं, तब ये दोनों चीजें आपके लेबल से काम करेंगी, तब एक इमोशन जनरेट होगा इन दोनों चीजों के साथ। टू फैक्टर थ्योरी इसीलिए कहा जाता है कि भाई फिजियोलॉजिकल अराउजल और कॉग्निटिव लेबलिंग दो चीजें इन्वॉल्व हैं
इमोशन को जागृत करने में, इसलिए टू फैक्टर थियोरी है। ठीक, तो ये एक बात हुई, आगे बढ़ जाते हैं अब इसी के साथ। इंस्टिंक्ट की बात की है मैकडूगल ने, क्लियर नहीं आ रहा है यहां तो, सब कुछ क्लियर चल रहा है सरकार। आगे बढ़ते हैं, तो ये इंस्टिंक्ट्स की ऐप स्टार्ट होने में काफी टाइम है अभी। इंस्टिंक्ट्स की थ्योरी है मैकडूगल की। इंस्टिंक्ट्स क्या है, बेसिकली हार्ड वायर्ड होते हैं हमारे, इनको हम सीख नहीं सकते, लर्निंग से नहीं आते, जन्मजात होंगे। ठीक, तो इन्होंने 14 इंस्टिंक्ट्स की बात की, 14 अभिवृत्तियां या कुछ इस तरह कहते होंगे इंस्टिंक्ट को, 14 इंस्टिंक्ट्स दिए और हर एक इंस्टिंक्ट से एक एसोसिएटेड इमोशन की बात की। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है यहां पर याद रखना, तो मैकडूगल के विषय में याद रखना ये जरूरी है कि मैकडूगल ने 14 इमोशंस या इंस्टिंक्ट, ठीक है, इंस्टिंक्ट की थ्योरी है इनकी, 14 इंस्टिंक्ट्स जिनसे एसोसिएटेड कुछ 14 इमोशंस हैं। ठीक, तो ये 14 जो है ये नंबर आपको याद रखना है, और थोड़ा बहुत अगर नाम याद रख पाए तो बहुत बेहतर है। पहला है कॉम्बैट। कॉम्बैट से क्या है, एंगर जनरेट होता है, भाई फाइट करने वाला है ना, उससे गुस्सा आएगा, एसोसिएटेड इमोशन है कि जब आप एंगर आपके अंदर जनरेट होता है कॉम्बैट से, जो इंस्टिंक्ट है अपने आप में। क्यूरियोसिटी से वंडर आता है, रिपल्शन से डिसगस्ट, सबमिशन से नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, सेक्स से लस्ट, इस तरह की ग्रेगेरियसनेस से लोनलीनेस, एस्केप से फियर जनरेट होगा। तो ये जरूरी नहीं आप इसके रट्टे लगाएं 14 के, बट बहुत ही किस्मत खराब हुई तो एक बार को पूछ सकता है, लेकिन ये 14 जरूर याद रखिएगा और थोड़ा सा अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिएगा कि किससे रिलेटेड कौन सा एक इमोशन जनरेट हो सकता है, किस एक इंस्टिंक्ट से। लिस्ट आपके सामने, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी वीडियो क्वालिटी आप थोड़ा सा, वो जो आपका लेवल है उसको थोड़ा 1080p 720p कुछ भी इस तरह से इंक्रीज करेंगे तो ठीक चलेगा। हाँ, 14 इंस्टिंक्ट से 14 इमोशंस जनरेट होंगे एसोसिएटेड। ठीक है, अब किसी का कोई भी भाई कंफ्यूजन हो तो बताइए। आज के लिए काम इतना ही था, हमने समझा किस तरह से बेसिकली जो, और एक और चीज इसके लिए जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आप ध्यान में रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है, एक टीचर किस तरह से ध्यान रखे, बच्चे कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट बनेंगे, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन किसकी, ये जो चैप्टर हमने पूरा किया है दो वीडियोस में इमोशंस का, और हमने ये भी समझा था इमोशंस का, हम ये अच्छे से जानते हैं भाई इमोशंस हमारी जिंदगी के हर एक पड़ाव में, हर एक पक्ष में, हर एस्पेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं और इनका बहुत बड़ा रोल है। ये आपकी लर्निंग, आपकी मोटिवेशन लेवल, आपका कॉग्निशन मतलब संज्ञान को प्रभावित करते हैं भाई, आपके दिमाग पर भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। अगर आपका इमोशन पॉजिटिव है तो आप काम भी बेहतर करेंगे, लेकिन अगर आपका इमोशन ही गलत है तो अगर, या फिर प्रॉब्लम अडेप्टेशन की है, अगर किसी बच्चे ने एग्जाम को फियर की तरह से ले रखा है, अडेप्ट किया हुआ है उस इमोशन को, तो अब उसके संज्ञान जो उसने तैयारी की है वो भी प्रभावित होगा उस सिचुएशन में, क्योंकि इमोशन फियर का है। तो जो इमोशंस हैं वो आपके सीधे सीधे आपके संज्ञान को भी प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति है जो कहते हैं कि नहीं प्रभावित करते, उनका नाम है जेजोंग। जेजोंग ने कहा है कि इंडिपेंडेंट है संज्ञान और आपके इमोशंस, बाकी सब ज्यादातर मानते हैं कि भाई कॉग्निशन और इमोशन इंटरडिपेंडेंट हैं, और आपको भी यही मानना है जब तक जेजोंग का नाम ना दिया हो कि संज्ञान और आपका इमोशन संवेग अलग अलग होते हैं, ये कहते हैं जेजोंग, बाकी इंटरडिपेंडेंट है, इंटरट्वाइंड है, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा 100%, ये बात आप जनरली मानेंगे पेपर में। कॉग्निशन और इमोशन क्या है, मतलब ये कहते हैं इनका अलग अलग सोर्स है, बॉडी में अलग अलग जगह से जनरेट होते हैं, ब्रेन से एसोसिएटेड नहीं है, ये कहते हैं इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। बहुत रिसेंट काम है इनका, 2000 का ही, 2000 ईयर 2000।
ठीक, तो इसमें क्या है, कॉग्निशन और इमोशन इन्होंने इंडिपेंडेंट बता दिए, बाकी सभी मानते हैं या जनरली मानना भी है कि इमोशन और कॉग्निशन रिलेटेड हैं। ठीक, डियर हिमांशी प्लीज चेक योर बिजनेस ईमेल, केयर विल ऐप। अच्छा पवन यादव जी, पक्का मैं देखती हूँ, आजकल भी आपने सुपर चैट किया था, धन्यवाद। बाकी बहुत सारे बिजनेस ईमेल्स होते हैं। अच्छा कुछ एक इससे याद आया, कुछ एक गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए, 31 को, 31 को कुछ स्पेशल है, तो मतलब ठीक है, देखती हूँ मैं। अरे ये ठीक है, कोई नहीं, मैं चेक कर लूँगी। बाकी बाकी क्या, लेट्स लर्न वाले जानते हैं, होना कुछ नहीं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है कि आप बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बनाएंगे? आप बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट तब बना सकते हैं जब आप, एक तो डेमोक्रेटिक माहौल हो आपके क्लासरूम का, है ना, मतलब कि बच्चों की आप बात सुन पा रहे हैं, उनको फ्रीडम मिल पा रही है, उनको खेलने का मौका मिल पा रहा है, कोऑपरेट कर पा रहे हैं, कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मरे जा रहे हैं कि इस बस हर टाइम उनको अपनी जीतने की पड़ी रहती है, साम दाम दंड भेद से बस जीते हैं, एक फेयर गेम सिखा रहे हैं आप उन्हें, मतलब क्लासरूम, और आप इमोशनली थोड़े से मैच्योर हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करना वो सीख पा रहे हैं आपके होते हुए, तो हर तरह से बेहतर होंगे। ठीक, और इमोशंस का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है आप किसको क्या बोल रहे हैं और क्या भी जो जो भी मतलब बच्चों पर प्रभाव पड़ता है आपकी हर एक बात का। ठीक, सुपर चैट क्या है प्लीज बताइए, संडे वार्ता में बताए जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। सुपर चैट एक फीचर होता है इसका यूट्यूब का, जो मैं बहुत ज्यादा कभी कभी नहीं प्रमोट किया है, खैर, तो इससे मतलब ऐसे कोई स्पेशल कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो हाईलाइट होता है, और कुछ पैसे में जिसको यूट्यूब का कुछ रहता है कि भाई 70-30% रख लेंगे हम, 70 आपको दे देंगे, कुछ इस तरह का, तो हालांकि इस चीज़ को मैं प्रमोट नहीं करती हूँ। क्या स्पेशल है? अरे कुछ कुछ ऐसे मौके मिलते रहते हैं तो बेहतर लगता है। अभी लास्ट ईयर का आपको शायद याद होगा, तो इस बार भी, इस बार कुछ और स्पेशल है, तो तभी बताएंगे, अभी अलाउड नहीं है मैसेज शेयर करना तो। हाँ बिल्कुल देख सकते हो आप इस टॉपिक पर पुराने वीडियोस। जन्माष्टमी है कल, क्लास का टाइम टेबल यही रहेगा, यही रहेगा यार टाइम टेबल, तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसे सही है इतने बाकी का काम कल, तो मतलब ऐसे मेरे को भी फास्ट रखना पड़ेगा ऐसे जीवन में, साल में एक ही तो फास्ट रखती हूँ मैं। अब ऐसे तोशी खुश रहने में भी परेशानी है क्या, मतलब ऐसे खुश रहना चाहिए, हालांकि मैं आजकल थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ खुश रहने से तो। मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी लैंग्वेज फिल कर सकते हैं सीटेट में ना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 31 को एक ऐसे इवेंट है कि मान लो तो जी धन्यवाद। बर्थडे हाँ ऐसे 10 को है, देखो हाँ वही रहेगा टाइम टेबल, तो एज सच कोई इशू नहीं है। 5 बजे सुबह इंग्लिश डोज कल तो पक्का रहेगी, मैं आजकल जग नहीं पा रही हूँ, और इसके अलावा शाम में भी मतलब रहेगा वो, मैं संडे को शेयर करती हूँ, कल वही रहेगा सेशन। अभी 10 बजे सबसे पहले तो हाँ, अब इस सेशन के तुरंत बाद एक यूपी टेट के लिए एक डिस्कशन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस का, तो चलिए फिर मिलते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक ना किया हो, हम बेहतर क्वालिटेटिव वीडियोज़ पर काम करने की कोशिश करते रहते हैं। चलिए धन्यवाद।